उम्मीद करती हूँ आप सब कैसे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारी फोर्थ सैरी। मैंने आपको कहा था ना, मैं एक ना एक सैरी में तो कुछ ना कुछ बनाऊंगी ज़रूर। तो आज मैं एक रेसिपी बना रही हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से कितने दिनों से निकाल रखी थी, मैंने बोला आज बना ही लूँ। तो ये देखें, मैंने ये पोटैटो बॉयल कर लिए हैं, इनको फिर जो है मैंने छिलके उतारने हैं। इनके छिलके उतारने के बाद जो है फिर हम देखेंगे और फिर यहाँ पे डालेंगे इस वाले बाउल में और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। अभी जो है हम इसको छिलके उतारने हैं सबके, फिर हम आपसे देखिए। मैंने ये देखिए इनको सबके छिलके उतार दिए। अब मैं इनको जो है क्या करूँगी, मैश करूँगी और हाथ से करना चाहिए थी, इनका मतलब ये है ऐसे कर लेते हैं, हाथों से करते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको मैं रख देती हूँ और इसको मैश करना है आपसे बात से करूँ। यार ये क्या है, हाथों से सही रहता है दादा, नहीं हो रहा भाई हाथों से। उन्हें मुझे मैं हाथों से कर लेती हूँ ना, मैं हाथों से कर लेती हूँ। क्या है, मुझे हाथों से सही रहता है। कि अभी आपको पकने के बाद बताऊंगी कैसे है। अभी जो है 5 भेजने वाले हैं और आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा कि कौन कौन ऐसी नई नई रेसिपी निकाल पाए। मैं तो रमजान से पहले निकालती थी, रमजान आने वाले थे पहले बहुत सारी रेसिपी निकाल करने लगती थी। अब मैंने बोला तो मम्मा को, मम्मा मैं बनाऊँगी ज़रूर, मैंने बोला सही पे बना लेना। अभी तो और बहुत सारी मैंने रखी हुई हैं रेसिपी निकाल के, मेरे पास ये रेसिपी होती है ना उस पर। हाँ ये देखें, मेरी कॉपी है और इसी में सारी मैंने रेसिपी निकाल के रखी हैं। कुछ यूट्यूब से फिर अपना दिमाग लगा कर बन जाए। आप मुझे कमेंट बताएगा जब भी आप बन जाए पूरी तो खिला सकते हो तो मैं ज़रूर खिलाती, मगर इन सबसे पूछूंगी अपनी बहनों से सारे वो लूँगी कमेंट और कैसी बनी है, देखते हैं क्या कमेंट आते हैं। तो आपसे मिलते हैं ये करने के बाद। ये देखिए गाइस, मैंने प्याज डाल दी है और ये बिल्कुल मैश हो चुकी हैं। अब मुझे इसमें भी डालना, मैं काली मिर्च भी डाल दूँ क्योंकि मसाला सिर्फ नमक और वही है लाल मिर्च। चलिए गाइस अब उनसे भी ऐसी चीज़ डालते हैं। ओके मेरे पीछे ना तुम लोग मेरी वीडियो ख़राब कर दोगे। अब मैं वीडियो ऐसी रखी हुई है, मेरे पीछे ना आइएगा आप में से कोई भी। हाँ तो मैं ये सब डालती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए गाइस, तो मैंने ये देखिए ये आगे बनाने हैं आगे। मेरी पहली पहली मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम बनाई थी, मैंने थोड़ा कम बनाया था तो दिखाऊंगी फिर आपसे पूछूंगी कैसे बने। और ये ब्रेड पैकेट है, ये देखिए मैं सारे बना चुकी हूँ। एटलीस्ट मैंने 12 बनाए, मैंने पहली बार बनाए थे इसलिए मैंने इतने से बनाए। मेरे घर ने बोला कि अगर सबको अच्छे लगे तो नेक्स्ट टाइम फिर से ज़्यादा बनाएंगे। तो ये दिखाएंगे चले, हम आपको खाने याद बताएंगे कि कैसा बनाया है। अभी तो दवास बनेंगे तेरे बाद फिर चल। तो देखें अब मैं बना चुकी हूँ सब कुछ और वहाँ बाहर रखा हुआ है टेबल पे। तो अब हम आपको दिखाएंगे, देखिए मैं कितने दिन से ला कर रही थी, कितने दिन से तो नहीं खाए ये रेसिपी, मैंने बहुत से दिन से ला कर कितने रमजान से ही पहले। तो मम्मा ने बोला कि भाई जब अब रोज़े आने वाले हैं तो तुम रोज़े में बनाना, रमजान में बनाना। तो मैंने सही है भाई फिर बनाएंगे, तो अभी बनाए हैं आप पानी लगे दिखाते हैं। चल ये ये देखें, ये है, ये मैंने बनाई है सारी। यार उठे से किसने कर दिया, सही से टैक करके सही से अच्छे से रखे हुए थे मैंने। और ये कटलेस भी मैंने ही बनाया, कटलेस मैंने बनाया, ये भी मैंने बनाया। और ये आगे जा रहा है, अम्मा आगे भिजवा रही हैं। हाँ मैंने बनाए हैं रोल और आप बना रही हैं पकौड़े। तरतीब करो इसकी, ये देखें सारी चीज़ें हैं। ये दो खजूर हैं, अंदर क्या स्पैगेटी, नीचे हैं दही बड़े। और ये सामान मतलब ये सामान, ये जो प्लेटें हैं हम आगे भिजवा रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब अपने पैसों के भिजवाते रह कर, मतलब आप लोग अगर बना बना के बांटेंगे तो और अच्छा रहेगा। और जो है अब अंदर चलते हैं कमरे में, आपसे मिलते हैं।
अच्छी बात है आप लोग जो चीज़ें बनाते हैं तो आप लोग और बना बना के आगे भेजा करें, इस तरह जिस पर बरकत भी आता खराएगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से होने वाला टाइम 6:30 हो रहे हैं अब, आज 6:40 कितना टाइम है, 6:46 या 6:45 का होगा। और आज की मेरी पूरी वीडियो और आज का जो भी था हमारा क्या था जो भी था खाने में लिए, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, मस्ट शेयर करेगा, कमेंट करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट डेली या नेक्स्ट तारीख। बाय बाय।